हेलो, नमस्कार। अभी हमको सीखना है पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड एक सॉलिड है, उसका प्लेन सरफेस रहते हैं, बेस पेंटागोन है, इसलिए उसको पेंटागोनल पिरामिड बोलेंगे। पिरामिड क्यों? क्योंकि वर्टिक्स तैयार होता है, वर्टिक्स या एपेक्स तैयार होने की वजह से साइड में ये ट्रायंगल तैयार होते हैं, पांच ट्रायंगल, और बेस पेंटागन होने के वजह से उसको बोलते हैं पेंटागोनल पिरामिड। अब इसका प्रोजेक्शन निकालते समय डायरेक्ट हम आइसोमेट्रिक निकाल सकते नहीं, क्योंकि आइसोमेट्रिक निकालने के बाद हमको ये शॉर्ट, ये बड़ा, ये शॉर्ट, ये लॉन्ग, ऐसे साइड जो है एजेस वो कम ज़्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए आइसोमेट्रिक डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। उसका पहले ऑर्थोग्राफिक निकालना पड़ेगा। तो सिंपल ऑर्थोग्राफिक कैसे निकालेंगे वो हम सीखने वाले हैं अभी। तो ऑर्थोग्राफिक निकालते समय पहले पेंटागन, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दिया है, प्लान यानी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। पहले टॉप व्यू निकालना पड़ेगा। टॉप व्यू निकालते समय एक बेस लाइन ऊपर लेंगे, उसका जो साइड है 50, ये बेस लाइन हो गया, उसका पेंटागन तैयार करेंगे। बाद में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हमको मालूम है पेंटागन कैसे निकालने का, कौन सी की पद्धति से। हम पेंटागन निकालने के बाद सेंटर मिलता है, सेंटर ज्वाइन करने के बाद ये एजेस तैयार हुए, उसका वर्टेक्स एपिक्स ओ, ये हो गया पेंटागोनल पिरामिड का टॉप, टॉप ही हो गया। इधर समझो 5 mm लेंगे, एक्सिस निकालेंगे, बाद में ये पॉइंट वापस 5 लेंगे, इधर वर्टेक्स या सेंटर, वो पॉइंट आया वर्टेक्स एपिक्स, एपिक्स से ये हाइट है टोटल 90 वर्टिकल हाइट। तो इधर से एक्सिस निकालेंगे पहले, सेंटर लाइन निकालने के बाद इधर 90 तक, ये डिस्टेंस 90 दिया है। 90 देने के बाद हमको बेस, ये ग्राउंड पर जो लाइन है वो मिली, ये पॉइंट डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। इधर से प्रोजेक्शन जो आता है उसको वर्टिकल लाइन निकालने का कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्शन लाइन। तो इधर जो कट होगा वो पॉइंट, अभी समझो ये पॉइंट है ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो ई पॉइंट अभी इधर मिला, ए पॉइंट ये ए है, बी पॉइंट इधर से आया, ये जो सी और डी है वो पीछे जाएगा, इसलिए एजेस जो है वो डार्क हम निकालते हैं, और पीछे जो एज जाती है वो डॉटेड निकालना पड़ेगा। तो इसका जो प्रोजेक्शन है समझो इधर आया, इसका प्रोजेक्शन इधर आया, तो ये पॉइंट हो गया डी इधर से, और ये सी पॉइंट इधर आया, ये डायरेक्ट डॉटेड निकालने पड़ेगा, क्योंकि पीछे जाता है एज, जो पीछे एज जाता है उसको डॉटेड हमको निकालना पड़ता है, डैश डैश डैश। और ये एज जो दिखता है वो डार्क करेंगे फ्रंट का, यानी हो गया फ्रंट, यानी फ्रंट व्यू हमको निकाला, टॉप व्यू पहले ही निकाला। अभी साइड कैसे निकालेंगे, देखिए बी पॉइंट से इधर 5 लिया, एक्सिस आया, इधर एक्सिस मिला, 5 लेने के बाद, और इधर से 45 एंगल निकालेंगे प्रोजेक्शन निकालने के लिए। तो ये जो लाइन डी सी है वो आगे बढ़ा के ऊपर से सीधा वर्टिकल लिया, ई और बी ए की लेवल में वो इधर कट होने के बाद वर्टिकल लिया, वो पॉइंट जो वर्टिक्स है वो भी हॉरिजॉन्टल लेके वर्टिकल लिया 45 एंगल से, इसलिए इसका जो डिस्टेंस है प्रोजेक्शन निकालने के बाद ये वो पॉइंट जो है वो इधर आया, वो पॉइंट इधर से आया, ये सी पॉइंट इधर से आया, हॉरिजॉन्टल निकालने के बाद ये सी पॉइंट आया, पीछे गया डी पॉइंट, तो अंदर लिखेंगे। इधर से डायरेक्ट बी दिखाई देता है, तो बी पॉइंट ये आया, और ए पॉइंट ऐसा प्रोजेक्शन करके ये आया। तो बी पॉइंट जो है वो भी ई के लेवल में, इसलिए बी और पीछे जाता है वो ई पॉइंट है, इधर से देखते समय ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी और ई। अभी इसमें ये एज तैयार होता है वो दिखाई दिया, एज तैयार दिखाई दिया, और ई पॉइंट ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट डार्क, क्योंकि ई बी और ई एक ही लेवल में, और बी ओ ई ओ एक के पीछे दूसरी जाएगी लाइन, इसलिए एक पहले दिखती है, बाद में पीछे बी
ई की लाइन जो है ई वो पीछे उसके पीछे छिपी है। इस तरह से हमने साइड व्यू निकाला। तो फ्रंट टॉप और साइड कैसे निकालते हैं हमने सीखा, फ्री हैंड निकाला क्योंकि सेट स्क्वायर से निकालने के बहुत समय जाएगा इसलिए फ्री हैंड आपको समझ में आया होगा। तो पहले टॉप, बाद में फ्रंट और बाद में साइड, उसका डिस्टेंस का माप लेने का। टोटल वर्टिकल हाइट है 90 और इधर दिया हुआ है चौपास साइड, इसलिए 15 इंटू 5 5 इंटू 50 दिया, तो ये समझ आएगा कि सब साइड्स इक्वल है 50 50। और ये वर्टिक्स कितने हाइट पर है, वर्टिकल टोटल हाइट दिया है यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्लैंट हाइट नहीं दिया है। इस तरह से हम ऑर्थोग्राफिक पूरा कर सकते हैं पेंटागोनल पिरामिड का। अभी बाद में हम आइसोमेट्रिक कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।